हाँ जी, सत श्री अकाल सारे नूं जी। तुसीं देख रहे हो दोबारा एंड डिपार्ट चैनल तो, ते मैं सुखजीत। ते अज आपां गल करदे आं, अज आपां सेंट्रल तो वेस्टर्न टर्नर क्रॉस करना वा। मैं इस वेस्टर्न टर्नर अगे भी जिक्र करिया वा, ते हुण मैं सेंटर हाँ, होंगकोंग आइलैंड दे विच सेंटर। ते मेरे खब्बे पासे सेंटर सिटी आ, ते सामने तुसीं देख रहे होवोंगे इनू कहिंदे आ मेरे राइट साइड IFC मॉल, ते लैफ्ट साइड हैगा एयरपोर्ट एक्सप्रैस। एयरपोर्ट एक्सप्रैस जिन्हें इतों सदी इतें भी बंदा चैक इन कर सकता 24 घंटे दे विच, ते इतों आप सीधा एयरपोर्ट भी जा सकते हैं, उत्थे चैक करने की लोड़ नहीं। मेरे सज्जे पासे हुण एयरपोर्ट एक्सप्रैस आ, ते खब्बे पासे IFC मॉल, इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर। ते काफ़ी बड़ा मॉल है, शॉपिंग मॉल है, ते उहदे नाल होंगकोंग स्टेशन। तो आप हूँ सेंटर तो वेस्टर्न टनल जा रहे हैं। वेस्टर्न टनल का मैं पहला भी पुरानी वीडियो भी जिक्र किया, होंगकोंग का एक्सपेंसिव टनल है जिहड़ा होंगकोंग आइलैंड तो कई स्टेजा जोड़ता, कई होंगकोंग आइलैंड तो कौलन दे जिमें कि यामाताई, मोंगकोंग वेस्ट, कई पार्टों में जोड़ता वा। तो आप हम क्रॉस कर रहे हैं दोबारा, फिर जो तुम लास्ट वीडियो में जोड़ोगे तो याद आ जाएगा। आप मकाओ पैरी क्रॉस कर रहे हैं, मेरे लैफ्ट साइड मकाओ पैरी है। तो इतों आप क्रॉस करके वेस्टर्न टनल इन हो जाएंगे। ये तीन टनल ने होंगकोंग दे विच, जो तीन ही हार्बर दे सी दे थले दी दूजे आइलैंड नूं जोड़दे ने। आपां नंबर 3 सामने तुसीं बोर्ड देख रहे होवोगे एयरपोर्ट दा, नंबर 3 राहीं आपां जाणा। इह वेस्टर्न टनल 1993 दे विच इहदा कम स्टार्ट होया सी, 1993 दे विच। ते 1997 विच 1998 दे विच इह कंप्लीट हो गया सी। उस तों बाद विच फिर 30 ईयर दा इहनां ने जो कंपनी है उन्होंने को ही ठेका वा, उ सारा ये टूल का पे करते हैं। ये राही भी आप कैश राही भी पे कर सकते हैं, तो कार च आटो टूल आही भी पे कर सकते हैं। तो आप हूँ सी दे हार्बर के थले जी थले जा रहे हैं। तो इस टनल के नाल बड़ा फायदा होया होंगकोंग में। तीन लाइना ने एक साइड, थ्री लाइन एक साइड, थ्री लाइन जाने वास्ते, थ्री लाइन आने वास्ते। तो ये ट्रैफिक में बड़ा, जिन्हों टाइम की शॉर्टेज रही है वो बहुत बेनीफिट। एक्सपेंसिव आ क्योंकि जगह काफ़ी घिरी आ टनल ने, एक तो यदि लैंथ भी 2000 मीटर के रिकॉर्डिंग की लैंथ भी हैगी है टनल की। तकरीब इतों 1.5 लाख तो लैके 2 लाख के करीब पर डे गड्डियां अप डाउन कर लेंदियां इस टनल राहीं। तो आप हम टनल के अंदर चल गए जा रहे हैं, तो तुम देख रहे हो कि आप टनल के अंदर बढ़ गए हैं। तो अपने दोनों पासे लैफ्ट लैफ्ट राइट साइड से सी भी सी आ हार्बर व्यू, तो आप थले जी जा रहे हैं। आप होंगकोंग तो कॉलन साइड जा रहे हैं। ये टनल मोस्टली यामाताई कॉलन तो बिशाशुई, तो उस तो बाद एयरपोर्ट में ये बेस्ट टनल आ जिहड़ा इन्होंने ओपन करिया सी। ते वापसी लई होंगकोंग साइनपून ते शेंगवान, ते इहदे नाल फिर तुसीं ईजली तौर पर कैनेडी टाउन, ईजली तौर पर एबरटीन, ओशन पार्क राइट साइड निकल जाते हैं। तो आप हूँ कौन टनल क्रॉस कर रहे हैं। सारा टनल अंदर ये स्पीड लिमिट हैगी 80 किलोमीटर दे, ते हर जगह पर तो कैमरे दे चढ़ गए। इस टाइम नाइट आ इत्थे, ते वैसे काफ़ी शांत एरिया, बड़ा कूल लग रहा होगा, शांति लग रही होगी। तो मोस्टली ये थोड़ा जहा महंगे करके ही ट्रैफिक बहुत ज़्यादा घट होती है। ट्रैफिक के मैं वीडियो पहले भी जिक्र कर रहा, ट्रैफिक ज़्यादा तो मिलेगी सेंटर टनल के, सेंटर टनल के। आप हूँ
ਉਹ ਟਨਲ ਕਰੋਸ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਟੂਲ ਪੇ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਟੋ ਟੂਲ ਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵੈਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਟੋ ਟੂਲ ਆ ਆਪਾਂ ਆਟੋ ਟੂਲ ਰਾਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਮਾਰਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਮਾਰਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਏ ਦਾ ਮਾਰਕ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਿਮਸ਼ਾ ਛੂਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਲ ਐਮਟੀਆ ਸਾਰਾ ਇਹ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਰੋਡ ਸਿੱਧਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਸ਼ਾਤਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰੋਡ ਸਟ੍ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਯੋਨਲੋਂਗ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਯੋਨਲੋਂਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਮਕਾਓ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਾਏ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਲੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਗਾਹਲੀਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜਿਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਂਡ ਮਾਰਟ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਤੇ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ